आज ये बहुत ही खुशी का दिन है। सीबीआई ने जो तेजस्वी जी का बेल रद्द करने के लिए माननीय न्यायालय में अपील किया था, माननीय न्यायालय ने उस अपील को नहीं माना और तेजस्वी जी बेल पर ही रहे। दिल्ली में सीबीआई कोर्ट से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को राहत मिलने से राजद कार्यकर्ताओं में खुशी छा गई। तेजस्वी को राहत मिलने की खबर मिलते ही समस्तीपुर राजद कार्यालय में ललन यादव सहित राजद के नेता और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव को निर्दोष बताया और उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लालू प्रसाद यादव व उनके परिवार को दबाव में लाने के लिए झूठे केसों में फंसा रही है। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगा। आपको बता दें IRCTC घोटाले में CBI ने तेजस्वी यादव की जमानत याचिका को रद्द करने की पेशकश की थी, जिसे CBI न्यायालय द्वारा नकारते हुए तेजस्वी यादव की जमानत को बरकरार रखा गया है। आज ये बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज CBI ने जो तेजस्वी जी का बेल रद्द करने के लिए माननीय न्यायालय में अपील किया था, माननीय न्यायालय ने उस अपील को नहीं माना और तेजस्वी जी बेल पर ही रहे। और इसी खुशी में आज हम सभी लोग राजद के जो भी कार्यकर्ता हैं आपस में एक दूसरे को मिठाई खिला के खुशी इजहार किया। आज के दिन देश के जो हिटलर शाही चलाने वाली सरकार है उसके मैनिपुलेशन से देश का पोजीशन आतंकित हो गया। उसी क्रम में हिंदुस्तान में जो चुनौती देने वाली शक्तियाँ हैं उन पर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मुकदमेबाजी चलाई जा रही है और जिससे देश की संघीय ढांचा पर खतरा पहुंच गया है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और इसी क्रम में आज हमारे नेता तेजस्वी जी को अदालत के कटघरे में खड़ा किया गया था, लेकिन माननीय न्यायाधीश ने उन्हें कहा कि ठीक है आप सावधानी पूर्वक चले, हम लोग इसको अच्छे ढंग से जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या नाम हुआ रिहा किया प्रेम प्रकाश शर्मा, प्रदेश महासचिव।